हाँ जी दोस्तों की हाल चाल है, कैम हो, लैके आए नवी अपडेट। जिहड़ा श्री बराड़ नूं चक लिया गया सी पुलिस वल्लों, कहा गया सी वी बहुत भड़काऊ गाना गाया, ते हुण सारे सिंगर सामने आए ते सपोर्ट कीती। किसान जथेबंदियां दा वी ते सिंगरां दा वी इह शक आ वी किसान एंथम गाने करके चक्किया गया। तुहानूं वी पता ही आ, जदों दा प्रोटेस्ट चलदा पिया उहदे विच हरेक वर्ग दा मतलब सहयोग रहा, भावें उह सोशल एक्टिविस्ट ला लो तुसीं, भावें कोई कलाकार ला लो, छोटा वड्डा कलाकार किसी वी तरीके दा, ते होर काफी अदारियां दा इस प्रोटेस्ट है, इहदे च बड़ा वधिया तरीके नाल योगदान रहा। सो अज्ज इक साडा आर्टिस्ट वीर ते अज्ज प्रॉब्लम पई आ, अज्ज इक ते पई आ, श्री ते पई आ, कल नूं किसे ते वी हो सकदी आ, आपां नूं इक दूजे नाल खलोणा पैणा। सो मैं इह वी कहा वी जिहड़े सिंगर नाल रहिंदे ने ते गाणे लैंदे ने गाउण नूं श्री बराड़ तों, हुण ओह कित्थे ने, वी हुण क्यों नहीं खुल के बोल रहे श्री बराड़ लई जो धक्का हो रिहा उहदे नाल। गल तां इह जिहड़े सिंगरां ने गुरवीर दीआं फोटोआं नूं सारे पईआं दिल जे वाह के, ना कुछ लिखिआ की आ की नहीं। पहला तो मैंने ऐ लगे भी शायद उसका हैप्पी बर्थडे है, पर बाद जो खबर पढ़ी, पर जी यार तुसी बोलना तो खुल के बोलो, जिहड़े उहदे गाने लैंदे आ, जिहड़े उहदे नाल रोज़ पोस्टां पाउंदे आ, जद बाई बाई करदे हो, हुण खुल के बोलो, पूरी सपोर्ट चाहो। मैं बेनती करदा भी सरकार नूं भी, इस तों पहलां भी बहुत सिंगरां हथियार वाले गीत गाए, जां तां सारे चुको, जिन्ना भी गंद मंद जां माहौल खराब कीता उह सारे चुको, ते जां फिर लगदा भी कि ज़्यादा धक्का आ, प्लीज़ इस चीज़ पर गौर करें सरकार। वार्निंग एक जरूरी आ, बंदे नूं वार्न करना जरूरी आ, उस तों बाद शायद सरकार ने यह किया कम भी श्री बराड़ नूं चक लिया वायलेंस के आधार पर, भी उहदे गाने च बड़ा गलत शब्दों का हो सकता है, असीं कोई इस गल्लों नहीं मुकरदे मानते हाँ, बट इदां किसी नूं इकदम चक लेना, वह भी जिहड़ा गाना डेढ़ महीने दो महीने पहला आया होया, तो इकदम उहदे ते कार्रवाई करनी ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਬਹੁਤ, ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੋ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੰਮ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਿਆ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਭਗਤ।